करोड़ों तारों के बीच आसमान में चमचमाते चंद्रमा ने हमेशा से ही हम इंसानों में कुछ नया जानने की जिज्ञासा जगाई है। इसी क्यूरोसिटी के कारण दर्जनों स्पेस मिशंस को लॉन्च किया जा चुका है। इसमें कई देश फेल हुए और कुछ सफल भी हुए। 1969 में अमेरिका ने तो चांद पे ह्यूमन लैंडिंग का भी दावा कर दिया था। भारत के मून मिशन को सबसे पहले 15 अगस्त 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस किया था। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान। और करीब 5 साल बाद चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। ये मिशन सक्सेसफुल रहा। इसने पहली बार चांद पे पानी की खोज की थी और अब चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पे लैंड करके इतिहास ही बना डाला। चांद को जानने की क्यूरोसिटी ने तकनीकी विकास करने में मदद की, लेकिन एक व्यक्ति की जिज्ञासा ने उसे मृत्यु के बाद भी चांद तक पहुंचा दिया। आज के वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसे चांद पे दफनाया गया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एस्ट्रोजियोलॉजी के फाउंडर जीन शूमेकर टिल डेट एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टेक्निकली चांद पे दफनाया गया है। जीन शूमेकर फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई लॉन्च मिशन में सदियों तक अपना योगदान दिया। चांद पे कदम रखना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था। उन्हें इस मिशन के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया था, लेकिन एक गंभीर बीमारी के कारण वे कभी चांद पे नहीं जा सके। उन्हें इस मिशन से डिसक्वालीफाई कर दिया गया, जबकि नील आर्मस्ट्रांग जैसे कई यूएस एस्ट्रोनॉट को उन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी। उनके ही द्वारा बनाए गए थ्योरी पे कई सक्सेसफुल स्पेस मिशन को अंजाम दिया गया। उन्होंने एक बार जुपिटर पे एक विशाल कॉमेट को टकराते हुए तस्वीर ली थी और ऐसा कर पाना किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि ऐसा बिलियंस ईयर में एक बार ही होता है। और इतने बड़े योगदान के बाद भी चांद पे जा पाने का सपना उनका अधूरा ही था। 1997 में ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेस रिसर्च मिशन के दौरान एक गंभीर कार क्रैश में उनकी मौत हो गई और इसके 2 साल बाद 31 जुलाई 1999 को नासा ने मून पे एक सफल मिशन को अंजाम दिया। लूनार प्रोस्पेक्टिव स्पेस प्रोब अपने साथ एक छोटा सा कंटेनर कैरी कर रहा था और उसी कंटेनर में जीन शूमेकर की अस्थियां थी और इन्हीं अस्थियों को प्रोब ने चांद पे बिखेर दिया। भले ही जीवित रहते हुए उनका चांद पे जाने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु के बाद उनके अवशेष चांद पे आखिरकार पहुंच ही गए। तो आज के वीडियो में इतना ही।